Anvesha, why did you decide to choose Shan's voice for this composition? I am no one to choose him. He agreed to sing for me, so that's my good fortune. And I feel very blessed क्योंकि दादा को बहुत सालों से जानती हूँ and he does have a lot of affection for me. So I feel very lucky कि जब उन्होंने मेरा composition सुना उनको अच्छा लगा and I always wanted to have him on board because मुझे गाना जब बन रहा था तब लगा कि it's tailor made for his voice. So I feel very lucky and blessed कि he agreed to come on board. What was interesting about this composition, Shani? Anvesha's most interesting thing about the conversation, composition, and of course, you know, you go back a long way. I've seen her as a child. I've seen her growth. I've seen her flourish as a singer and now as a composer. You know, even the Marathi project that she's done, such beautiful melodies. So, जब उनका message आया कि गाना करना है, तो मैं बस बिना सुने ही कह दिया बहुत अच्छा. और उसके बाद उन्होंने गाना भेजा. तो बिना सुने ही मैंने बोला बहुत अच्छा गाना है. मैं कहीं था जहाँ नेटवर्क था नहीं. Oh God. So no, I didn't want to miss the opportunity. It's always How wonderful sweet. To, you know, growth honi chahiye her, relationship mein, or, you know, from being a mentor to her, you know, to, you know, watch her growth and now to sing for her, it feels like a full circle. How do you feel to have such faith from somebody as legendary as Shan? It feels amazing. I mean, the kind of feeling that I have for Dada and the respect that the love that I have for him, वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती. इट्स ही इज़ लाइक फैमिली टू मी एंड आफ्टर दैट ही इज़ दैट स्टार शान दादा. बट फर्स्ट ही इज़ फैमिली टू मी एंड सेकेंडली बड़ी खुशी है कि आज मेरे लिए बहुत एक ख़ास दिन है इमोशनली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था. बिकॉज बीइंग अ कंपोजर वाज नेवर यू नो दिस इज़ समथिंग आई नेवर एस्पायर्ड फॉर. दिस जस्ट हैपन्ड ऑन द वे एंड आई एम एन्जॉइंग दिस फेज ऑफ माई लाइफ. एंड जिन लोगों के गाने सुन के मैं बड़ी हुई, I mean this whole generation of singers I'm a fan of, unko main wahan baith ke record kar rahi hu. This is a blessing for me. Tell us something about the genre of the song. And it's a beautiful romantic song that has a lot of positive and very warm vibes to the whole thing, and bahut pyara sa duet hai. Aur jo notes Anvesha ne use ki hain, bahut kuch accidental unexpected jab notes aati hain तो ऑटोमेटिकली एक जो कॉम्पोजिशन है वो और निखर आती है. तो वो मैच्योरिटी लगती है, लेकिन इस तरह के कहाँ ये नोट्स आनी चाहिए. तो शी शोन दैट मैच्योरिटी इन हर कॉम्पोजिशन. आई रियली एंजॉयड सिंगिंग इट. थोड़ी सी ट्रिकी थी क्योंकि एक तो मेरी हालत फ़िलहाल थोड़ी सी ट्रिकी है. सारी रात कहीं से ट्रैवल करके आया हूँ, सो आई एम हाफ अस्लीप. लेकिन जो काम कर गया वॉज दैट वो थोड़ा सा एक जो एनर्जी चाहिए थी गाने के लिए, एक सॉफ्ट एंड स्मूथ वाली एनर्जी, वो आ गया. नहीं तो मैं कभी ज़्यादा जोश में आ जाए, हम तुम एक सफर पे मिले, तभी जाते यूथ करेंगे. तो ये अच्छा आ गया कि थोड़ा सा इसमें एक सॉफ्ट वाइब आए एंड द स्केल बीइंग स्लाइटली लोअर. आई थिंक इट विल क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैजिक. ज़्यादातर आजकल सब हाई स्केल्स में गाने हो रहे हैं, लड़के ऊपर चिल्लाते हैं, लड़कियाँ लोअर ऑक्टेव में गा रही हैं. तो फॉर अ चेंज ये गाना जो है एक ही ऑक्टेव में दोनों गाए हैं एंड इट्स अ वेरी वॉर्म एंड हम अलोंग काइंड ऑफ स्केल. तो बहुत सारी खूबियां हैं इस कंपोजिशन में और लिखे भी हमारे जो प्रोड्यूसर है जॉयदीप जी, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने. जॉयदीप दा ने अच्छा लिखा, नाइसली रिटन आल्सो, वेरी नाइसली रिटन. आई कैन आस्क यू टू सिंग दिस सॉन्ग, बट इज देयर एनी अदर सॉन्ग यू गाइस कैन सिंग टुगेदर? इट विल बी नाइस टू हियर यू. ओह, मजाक में थोड़ा सा गा गया, लेकिन मैं ऐसा गा गया कि पता भी नहीं चलेगा कौन सा गाना था. बालो की गाई वो कौन सा, हम लोग एक शो किए थे बहुत साल पहले, उसमें तो अनिशा ने बहुत बहुत प्यारे प्यारे गाने गाए थे. और उसके बाद भी तो अनिशा, जो भी आपका दिल करे, मैं कोई पुराना क्लासिक गाना, अभी तो वैसे राखी आ रहा है. हाँ, ये तो मतलब बहन क्या बेटी की उम्र की है, लेकिन फिर भी लेकिन दादा बुलाती है तो डेफिनेटली राखी का तो एक ही गाना है. या कोई गाना नहीं, ये कोई मजा नहीं हुआ ना, बहुत बोरिंग. आई मीन ठीक ठाक है, कोई भी शुरू करो ना, कोई डुएट लता जी. अच्छा, उस शो में हमने साथ में वो गाया था, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से ला जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी,
तुम आ गए हो, नूर आ गया है। या बहुत बहुत सफल किए थे। थैंक यू, थैंक यू।